मिर्च के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये जो हमारे बॉइल्ड आलू हैं इसे हमें मैश करना है। आलू मैश हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच धनिया। एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, इसको हमें मिक्स करना है अच्छे से। आलू हमारा अच्छे से मैश हो गया है। अब ये मिर्च जो है इसे हमें कट करना है। इस तरीके से हमें इसे कट करना है। मिर्च को हमने कट कर लिया, अब इसमें हम आलू की स्टफिंग को फिल करेंगे। इस तरीके से हमें अपनी सारी मिर्च को फिल करना है। मिर्च फिल हो गई है, अब इसमें हम डालेंगे बेसन। एक छोटी कटोरी बेसन हमने लिया हुआ है। थोड़ा सा नमक, नमक हमने पहले मिर्च में भी डाला था, तो हल्का सा नमक हमें डालना है, और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें इसे मिक्स करना है। घोल हमारा तैयार हो गया है। कंसिस्टेंसी आप देखिए, इतनी पतली हमें रखनी है। तेल गरम हो गया है, अब अपने मिर्च को हमें बेसन में डिप करके तेल में फ्राई करना है। मिर्च हमारी फ्राई हो गई है, इसे हम प्लेट में निकालेंगे। मिर्ची के पकौड़े हमारे बन चुके हैं। आप इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ या फिर चाय के साथ खा सकते हैं। आप इस रेसिपी को बनाइए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।